राधे राधे ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग चटपटी मस्ती में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आप लोग इस समय लेके आया हूं जो सिकंदरपुर से तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, मौनिया बाबा, जो कि डूहा ग्राम में पड़ता है। और पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा इस मंदिर का कुछ नज़ारा, ये। और ये मंदिर चूँकि यहाँ से 10-12 किलोमीटर पड़ता है और इनकी प्रसिद्धि भी बहुत ज़्यादा मानी जाती है और बहुत ही फेमस है, तो हम यहाँ पे मौनिया बाबा के मंदिर को आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद से आपको जंगली बाबा के मंदिर दिखाएंगे, और फिर उसके बाद से आपको डूहा बिहारा का जो मंदिर है वो भी दिखाएंगे। आपको तीन मंदिर आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पे, जो कि सिकंदरपुर के आसपास या बलिया में बहुत ही फेमस मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, श्रद्धालु भी। अभी चूंकि मैं यहाँ पे आया था, एंट्री किया था, तो यहाँ पर रजिस्टर पर मैं देखा था तकरीबन आज के डेट में कम से कम यहाँ पर 100-150 लोग, मतलब यहाँ पर श्रद्धालु आ चुके थे यहाँ पे। तो मैं दिखाता हूँ उस पर मंदिर का नज़ारा और बताता हूँ यहाँ के बारे में भी। यहाँ पे जो हमारे जो पुजारी हैं, मैं उनसे मिलता हूँ और फिर यहाँ के बारे में भी आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ पूरा यहाँ का नज़ारा। उम्मीद करेंगे वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं पूरा आपको नज़ारा। तो दोस्तों, ऐसा है कि हम यहाँ पे ये जो महाराज पुजारी मिले हैं, जो इनका नाम है आचार्य नरेंद्र ब्रह्मचारी, और मैं इनसे मिलता हूँ और फिर यहाँ के बारे में पूछता हूँ और फिर आपको भी यहाँ के बारे में दिखाता हूँ, क्योंकि आपको दिख रहे होंगे पीछे जो आचार्य नरेंद्र ब्रह्मचारी हैं। तो आइए दिखाते हैं इनसे और पूछते हैं यहाँ के बारे में भी। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी ये बताइए, ये मंदिर मतलब किस सन में निर्माण हुआ था इसका? ये मंदिर जो है अद्वैत शक्ति परम धाम मंदिर है, इसका निर्माण 1998 में महाराज जी द्वारा हुआ। तो 12 वर्षों तक मौन रहे हैं पूरा? जी, बिल्कुल जी। 1984 में मतलब खत्म किया, फिर 1997 में उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया यहाँ पे, 1998 में। उस समय तो कुछ जीवित थे उस समय? जी जी। उनकी मृत्यु कब हुई? नहीं, अभी मृत्यु नहीं, अभी भी वो जीवित हैं, अभी भी मंदिर के देख रेख कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा यहाँ सारा काम संचालित होता है। तो मौनिया बाबा कहते किसको हैं, मतलब ये चीज़? मौनी बाबा पहले तो आए थे, उस समय इनकी मौनी बाबा के नाम से इनकी ख्याति नहीं थी, पहले आए थे, लेकिन 72 में जो इन्होंने मौन व्रत का शुभारम्भ किया और 84 में एक बहुत बड़ा यज्ञ के साथ मौन व्रत का समापन किया, उस समय इनकी ख्याति मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध। तो इस समय ये बाबा कहाँ मिलेंगे लमसम? इस समय बाबा सिकंदरपुर में अपना एक आश्रम है, उसका नाम है अद्वैत शक्ति सत्संग आश्रम, वही उनका दर्शन होगा, वहीं पे दर्शन होगा। अच्छा, इस यहाँ पे भीड़ सबसे ज्यादा कब होती है? यहाँ पे तो महाराज जी ऐसा नियम बनाया है कि साल में 2 यज्ञ करते हैं, बहुत भीड़ होता है, एक आषाढ़ पूर्णिमा और एक अगहन पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ों भारी भीड़ होता है। वैसे तो अन्य छोटे छोटे पर्वों पर जैसे मकर संक्रांति हुआ, अमावस्या हुआ, और जो छोटे छोटे पर्व हैं, लोग स्नान और बहुत भारी संख्या में यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, स्नान भी करते हैं, क्योंकि माता सरजू बगल में प्रवाहित हैं और पुण्य लाभ अर्जित करते हैं, और इनके द्वारा निर्मित परम धाम की जो झांकी है अपनी आंखों से देखते हैं और दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए श्रद्धालुओं की संख्या अधिक है, आज ही देखिए 60-70 के करीब में जो श्रद्धालु थे, मतलब डेली मतलब इतने हमेशा आते रहते हैं भक्त लोग और दर्शन करते रहते हैं, प्रसाद भी मिलता है, प्रसाद लेकर जाते हैं, और यहाँ भंडारा भी चलता है, जिसको जो खाने की जो इच्छा है वो प्रसाद भी मिल जाता है। तो चलिए महाराज जी, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा हमें, और हम लोगों ने यहाँ पे मौनिया बाबा के बारे में जाना, बहुत कुछ जाना। तो दोस्तों, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इस जगह पे आइए, जरूर आइए। ये तकरीबन सिकंदरपुर से बहुत ही नज़दीक पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार आइए। और ये बलिया में फेमस जगह है, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, तो उम्मीद करेंगे आप इस जगह पे आएंगे और इस जगह का नज़ारा जरूर लेंगे और यहाँ पे दर्शन जरूर करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे का, और
देखते हैं जंगली बाबा तो चलते हैं, फिर उसके बाद से आगे। बाबा कौन कौन सा मंदिर यहाँ पड़ता है और पास में? यहाँ बगल में पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर पर एक अयोनी जिसे दियोगी पनखंडी बाबा की तपस्थली है, वहाँ भी महाराज जी द्वारा बहुत भव्य और अलौकिक कार्य हुआ है। वहाँ जाने पर आपको वहाँ 9 दुर्गादश महाविद्या और हिमालय की दिव्य झांकी महाराज जी प्रस्तुत किए हैं जो अपने में यहाँ से 1 किलोमीटर के करीब में है। और ये जो जंगली बाबा है वो तो इस साइड में पड़ता है शायद। जी जी इधर चलिए तो पहले चलते हैं हम लोग, कहाँ पे नजदीक पड़ेगा? हाँ हाँ पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में 1 किलोमीटर चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वहाँ पर हम लोग देखते हैं और फिर उसके बाद से आगे आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं।